अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ हमज़ा खालिद, UPN यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। जी व्यूअर्स, हम आपको आज विज़िट करवाएंगे ऑर्चर्ड फेज़ 4 का, जिसमें एक नई डील आई है। और इससे पहले बहरिया ने ये इतनी भरा कमर्शियल कोई भी लॉन्च नहीं किया पूरा बहरिया टाउन में। ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस पे ये देख सकते हैं आप, राइट साइड पे बैक पे ये एक हाइट्स बन रही है। ये ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस है, और एंटर होते साथ ही राइट साइड पे ये ढाई कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स की पट्टी है। यहाँ पे बहरिया टाउन ने ढाई कनाल का कमर्शियल लॉन्च किया है, जिसकी टोटल प्राइस 9 करोड़ है। अभी इसकी डाउन पेमेंट 3.5 करोड़ देनी पड़ेगी, और 1.5 साल की इन्वेस्टमेंट है ये, 1.5 साल की 1.5 साल का टाइम है इसमें। क्वार्टरली इसकी 9 मिलियन इंस्टॉलमेंट है, ये आप देख सकते हैं, इसका रेडी फॉर पोजेशन है। अच्छा जी व्यूअर्स, आपको इसका ये बताएं कि ये ढाई कनाल का जो कमर्शियल प्लॉट है, इसमें बेसमेंट है प्लस 6 फ्लोर इसकी हाइट होगी, और इसका फ्रंट जो है 80 फुट है और डेप्थ इसकी 140 फुट है। और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में लिबर्टी कमर्शियल जैसा, लिबर्टी टाइप का ये बाज़ार बनेगा मेन बुलेवार्ड पे, जो सारा हब होगा कमर्शियल का, तो सारे ब्रांड होंगे, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा है ये। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे आप मशीनरी देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक बहुत भारी हाइट बनने लगी है। वन करीब उसकी भी लॉन्चिंग होगी आने वाले वक्त में। ये कमर्शियल बहुत अच्छा होगा, पूरा हब बनेगा, और स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ऑर्चर्ड फेज़ 4 की एंट्रेंस पे ही आपको भरे भरे कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंगें नज़र आ जाएंगी। ऑलरेडी ये डेवलप हुआ हुआ है सारा। और व्यूअर्स, इसमें अट्रैक्शन ये है कि ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हुआ हुआ है, मस्जिद भी बनी हुई है, बन रही है आपके सामने, और आगे इसका मस्जिद की बैक साइड पे स्कूल भी बन रहा है, और आगे G5 और G6 ब्लॉक्स के वो ब्लॉक हैं जहाँ पे तकरीबन 1500 के करीब घर भी बन रहे हैं 5 मरले के, और वो भी तकरीबन 1.5 से 2 साल में आपको रेडी फॉर पोजेशन मिल जाएंगे। ये इसका G2 ब्लॉक है, यहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। टोटल ये ब्लॉक डेवलप ब्लॉक है और रेडी फॉर पोजेशन है, वो आप सामने देख सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग है, और उसके पीछे G5 ब्लॉक में वहाँ पे भी काम हो रहा है, जो 5 मरले के घर ये ऑथराइज्ड डीलर्स बना रहे हैं। ये G2 का ब्लॉक है, इसके लेफ्ट साइड पे G4 ब्लॉक आता है। आजकल ये G1 में, G2 में कनाल के प्लॉट्स हैं, G3, 4, 5, 6 में 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और कुछ प्लॉट्स इसके 5 मरला में भी हैं। आने वाले वक्त में इसका रेट काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं और ये कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है बहरिया ने, कैसी लैंडस्केपिंग की हुई है इन्होंने, और लाइट्स आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड पे उन्होंने डबल लाइट्स लगाई हुई हैं, सर्विस रोड पे अलग लाइट लगी हुई है। ये ऑर्चर्ड फेज 4 की मेन बुलेवार्ड है, लेफ्ट साइड पे आगे G5 ब्लॉक आ रहा है,
जहाँ पे घर भी बन रहे हैं 5 मरला के, डबल स्टोरी और फ्लैट्स भी बिके हुए हैं, वो भी उनकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है डेवलपर्स ने। ये राइट साइड पे हमारे G6 ब्लॉक है, यहाँ पे 10 मरले का रेट तकरीबन कोई 35-36 लाख से लेकर और 45 लाख तक है पूरे ऑर्चर्ड फेज 4 में एज पर लोकेशन के हिसाब से। और यहाँ पे अब काम स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ ये आजकल बरसात का मौसम है तो बारिश की वजह से इन्होंने काम रुका हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये मौसम ख़त्म होता है, बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये काम स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर और काफ़ी जल्दी काम ये इसको कंप्लीट कर देंगे। आप वो से राइट साइड पे देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं वो काम हो रहा है उधर, फुटपाथ वगैरह वो कर रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन कोई 15 से 20 प्लॉट्स 10 मरले के ऐसे हैं जिन लोगों ने घरों का पोजेशन ले लिया, और वो भी आने वाले तकरीबन महीने से 1.5 महीने में अपना घर शुरू करने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं G6 के जहाँ पे सफारी होम्स आए थे, ये सफारी होम का काम इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, वो पीछे मशीनरी भी लगी हुई है। ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये 6 से 8 महीने में ये रोड्स वगैरह जो इधर रहती हैं वो कंप्लीट ये कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये पूरा सीवरेज का काम तक तकरीबन कंप्लीट हो गया, पाइप वगैरह वो डाल दी हैं इन्होंने, इलेक्ट्रिक की वायर वो आप सामने देख सकते हैं वो पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक की वायर के लिए जो पाइप इस्तेमाल होता है ये ब्लैक कलर का वो भी डाल रहे हैं। ये पूरे G6 ब्लॉक में ये जो घर बन रहे हैं फ्रंट पे ही बनेंगे, पीछे इसके 10 मरले के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे तकरीबन 10 मरले का रेट कोई 38 लाख प्लस माइनस है। इसकी अप्रोच रायविंड से, मेन रायविंड रोड से है, तो इसका कमर्शियल भी काफ़ी अलग है, अगर उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा चलेगा। ये ऑर्चर्ड फेज 4 की मेन बुलेवार्ड है और ये पूरी मेन बुलेवार्ड सारी कमर्शियल है, इधर 4-4 मरले 8-8 मरले 5 मरले के कमर्शियल्स हैं। आने वाले वक्त में इसका रेट काफ़ी बेहतर हो जाएगा, इस वक्त इन्वेस्टमेंट टाइम है कि आप 40 लाख के प्लस माइनस एज पर लोकेशन आप 10 मरले का प्लॉट परचेज कर सकते हैं, या 70 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक आप कनाल का प्लॉट ऑर्चर्ड फेज 4 में बाय कर सकते हैं। इसका कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप हाइट्स बना के इसको रेंट आउट करना चाहें तो वो भी इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसको मिलेगा। आज से 15 साल पहले जब सेक्टर C का कमर्शियल मेन बुलेवार्ड इतनी ज़्यादा काफ़ी लंबी थी और काफ़ी कमर्शियल्स थे, तो कुछ क्लाइंट्स कहते थे इतना कमर्शियल है यहाँ पे कौन आएगा और कौन इन्वेस्ट करेगा, ये कैसे चलेगा। तो आप माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सेक्टर C का कमर्शियल मेन बुलेवार्ड पे वहाँ पे तकरीबन कोई 6.5 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ तक रेट है लोकेशन के हिसाब से। तो जो क्लाइंट्स जो इन्वेस्टर्स कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मेरा मशवरा यही है कि आप ये ऑर्चर्ड फेज 4 का कमर्शियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 मरला 8 मरला ले सकते हैं वो फुल प्राइस में है, और अगर आप ये 2.5 कनाल का कमर्शियल
लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ काउंटिंग के तकरीबन को 5-7 प्लॉट ही हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3.5 करोड़ इसकी डाउन पेमेंट है और 90 लाख रुपए इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। टोटल इसकी 9 करोड़ इसकी प्राइस है टोटल। ये आप देख सकते हैं, ये वाली पट्टी है लेफ्ट साइड पे, जो 2.5 कनाल कमर्शियल की, इस पे कॉर्नर वाला आपको, इस पे आपको कॉर्नर वाला प्लॉट नहीं मिलेगा, जनरल प्लॉट मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल इसकी अप्रोच जो रायविन रोड से एंटर होते साथ ही राइट साइड पे है। अगर आप रायविन रोड से आ रहे हैं, ऑर्चर्ड एंटर होते हैं, तो राइट साइड पे ये पहली पट्टी आती है। इसकी बैक साइड पे ये पीछे मॉल बन रहा है, ये आप देख सकते हैं पीछे मॉल, ये मॉल बन रहा है, काफ़ी बड़ा मॉल बन रहा है। और ये फ्रंट पे ये 2.5 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी लोकेशन जो है रायविन रोड के नज़दीक है। अगर आपको स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1 और 2 नंबर कॉर्नर और नेक्स्ट टू कॉर्नर ऑलरेडी सोल्ड हैं, बिक गए हमें, और 4, 5, 6, 7 ये कमर्शियल हैं। ये नंबर वाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका। पीछे इसकी आप डोसे वो बेकरी भी देख सकते हैं, ऑर्चर्ड मॉल उस पर वो लगा हुआ है ऊपर, वो ऑर्चर्ड मॉल वालों का ऑफिस है। और ये साथ ये ऑर्चर्ड मॉल बन रहा है, वो बैक पे बन रहा है, और ये फ्रंट पे मेन रोड के ऊपर ये 2.5 कनाल के कमर्शियल के हैं। तो बिल्कुल इनके चंद प्लॉट हैं और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम है, इसमें आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ये देखेंगे एंट्रेंस है ऑर्चर्ड की, फेज 4 की, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे प्रॉपर ऑर्चर्ड 2 है, 2 की एंट्रेंस है, और फेज 1 की भी एंट्रेंस है इसके सामने, वो कमर्शियल प्लाजा आप पीछे वो बैक पे देख सकते हैं, वो साइन बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं उसमें। मज़ीद मालूमात के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, हमज़ा खालिद नाम है मेरा, और 03211-22558 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।